सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस सेशन। आज हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी का वन शॉट पूरा देखेंगे और उसमें सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स आएंगे सारे के सारे क्लियर करेंगे। तो बने रहिएगा इस पूरे वीडियो के एंड तक, एवरी कॉन्सेप्ट विल बी क्लियर, राइट। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट एग्जैक्टली इज इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की एवरेज वैल्यू क्या होती है। सो वी ऑल नो दैट कि अगर इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो हो रहा है या कोई चार्ज फ्लो हो रहा है पर यूनिट टाइम, तो उससे हम लोग कहते हैं दैट्स अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, राइट। तो इसका फॉर्मूला है, अगर यहाँ पे आपने बैटरी ज्वाइन की और यहाँ से करंट फ्लो हो रहा है तो आई कैन बी गिवन एज क्यू बाई टी। लेकिन व्हाट इज एवरेज इलेक्ट्रिक करंट, तो आई एवरेज कैन बी गिवन एज डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, दैट इज नथिंग बट क्यू टू माइनस क्यू वन अपॉन टी टू माइनस टी वन। सो इसके बेसिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इतने टाइम पर इतना चार्ज फ्लो हो रहा था, इतने टाइम पर इतना चार्ज हो गया, तो एवरेज चार्ज कितना फ्लो होगा पर यूनिट टाइम, एंड दैट इज इलेक्ट्रिक करंट। करंट इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ चार्जेस, फॉर एग्जांपल लेट से कुछ एन वन नंबर ऑफ चार्जेस इस साइड जा रहे हैं, लेट से वो पॉजिटिव चार्जेस है, ठीक है। तो द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम दिस एंड टू दिस एंड ऑफ अ बैटरी, और ये पॉजिटिव चार्जेस है। अगर पॉजिटिव चार्जेस है तो पॉजिटिव चार्जेस के डायरेक्शन में ही अपना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है। सो यहाँ पर करंट का फॉर्मूला आएगा, आई इज इक्वल्स टू वी नो क्यू बाई टी, एंड क्यू इज नथिंग बट एन वन ई बाई टी। तो यहाँ पर क्यू इक्वल्स टू एन ई हमने चार्ज क्वांटाइजेशन रूल यूज करके हम बना सकते हैं। इसी चीज में अगर हम ऐसा बोल दें कि भाई एन वन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में फ्लो है और एन टू नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस इस डायरेक्शन में फ्लो है, तो याद रखना इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में फ्लो होता है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो होगा। तो अगर मैं आपको बताऊं कि यहां पर कुछ करंट फ्लो हो रहा है तो N2 into E will give you the current, but N1 into E जिस डायरेक्शन में है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में करंट मिलेगा। तो इसकी वजह से जो करंट आ रहा है वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, N1E जितना चार्ज, और ये N2E जितना चार्ज ऑलरेडी पॉजिटिव वाला फ्लो हो रहा था। तो याद रखना कि अगर दो टाइप के करंट होते हैं यहाँ पर, एक को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन करंट, दूसरे को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो यहाँ से जो फ्लो हो रहा होता है ये होता है इलेक्ट्रिक करंट, जो बैटरी के टर्मिनल पॉजिटिव टर्मिनल से शुरू होता है और नेगेटिव टर्मिनल तक जाता है। और एक्चुअली इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है वो उल्टा होता है, राइट, फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो इलेक्ट्रॉन फ्लो यहाँ पे होता है, तो ये जो करंट फ्लो हो रहा है ना इलेक्ट्रॉन फ्लो, इसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रॉन करंट। तो याद रखना इलेक्ट्रॉन करंट ऑलवेज फ्लो इन द to that of electric current। तो यहाँ पर कभी भी आपको ये बताया जाए कि इतना N1 charge उधर जा रहा है जो negative है, तो उसकी वजह से जो current है वो opposite में आ रहा होगा इस direction के अंदर, right? तो हम यहाँ पर कहेंगे कि दोनों current add होंगे, इलेक्ट्रॉन की वजह से आने वाला करंट और प्लस चार्जेस की वजह से आने वाला करंट हमेशा एडअप होगा अगर उनकी डायरेक्शन ऑपोजिट होगी। याद रखना ऐसा वेक्टर में उल्टा होता है, वेक्टर में ऑपोजिट डायरेक्शन होती है तो हम लोग सब्ट्रैक करते हैं, बट यहाँ पर अगर ऑपोजिट डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और पॉजिटिव की, तो आपको ऐड करना है। तो यहाँ पर आपका चार्ज कितना हो जाएगा, आपका करंट कितना हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू क्यू वन प्लस क्यू टू बाई टी, बट क्यू कितना होता है एन ई, तो एन वन ई प्लस एन टू ई बाई टी, तो ये तुम्हारा करंट हो गया, ठीक है। अभी इसमें एक और केस पूछ सकते हैं कि इफ दे आर इन सेम डायरेक्शन, अगर फ्लो सेम डायरेक्शन में है तो क्या, अगर फ्लो सेम डायरेक्शन में है तो इस डायरेक्शन में भले पॉजिटिव जा रहा है लेकिन नेगेटिव इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो उल्टा होके सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो सेम डायरेक्शन के लिए आएगा आई इज इक्वल्स टू एन वन ई माइनस एन टू ई बाई टी। तो याद रखना अगर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में फ्लो हो रहे होते हैं तो एक्चुअली वहां पर करंट कम होगा, और प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहे होते हैं तो वहां पे करंट जो होगा वो ज्यादा होगा। आगे चलते हैं, करंट ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन। नाउ वी नो दैट ये इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व होगा तो मान लो इसकी कुछ ना कुछ यहाँ पर वेलोसिटी होगी, इसका कुछ ना कुछ रेडियस ऑफ ऑर्बिट है ना, इसका कुछ ना कुछ होगा टाइम पीरियड, टाइम पीरियड मतलब टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन, इसकी कुछ ना कुछ होगी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहां पर आप करंट को देख सकते हो, I इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। सर ये कैसे आया, तो Q कितना लोगे, Q आपको लेना है एक चार्ज जितना, क्योंकि एक टाइम पीरियड के अंदर सिर्फ एक ही चार्ज एक रिवॉल्यूशन पूरा कर रहा है, तो यहां पर चार्ज होगा सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का, ठीक है। तो E बाई टी ये आपका इलेक्ट्रॉन है। अच्छा यहाँ पर एक चीज का और ध्यान रखा जाएगा कि अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा है तो करंट उल्टा फ्लो होगा, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर करंट का फ्लो हमेशा उल्टा होगा, ठीक है, इसका ध्यान रहे। अच्छा यहाँ पर डायरेक्शन का भी इंपॉर्टेंस नहीं है, हम सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो करंट आई इक्वल्स टू ई बाई टी होता है, बट वी नो दैट वन बाई टाइम पीरियड इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी, है ना। तो इसके साथ साथ एक और इक्वेशन यहाँ पर हम ले सकते हैं, दैट इज इक्वल्स टू आई इज इक्वल्स टू ई इंटू एफ, ठीक है। ये भी एक काम का इक्वेशन है, I equals to EF, where F is nothing but
फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस, रिवॉल्यूशन की फ्रीक्वेंसी क्या है। अच्छा, इसको ओमेगा के फॉर्म में भी हम कर सकते हैं, है ना, क्योंकि वी नो दैट वेलोसिटी के फॉर्म में भी दे सकते हो, ओमेगा के फॉर्म में भी दे सकते हो। तो ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई एफ होता है, राइट। तो फ्रीक्वेंसी को हम क्या लिख सकते हैं, ओमेगा बाई 2 पाई। तो यही जो तुम्हारा इक्वेशन है वो इक्वेशन क्या बन जाएगा, आई इज इक्वल्स टू ई ओमेगा बाई 2 पाई। तो कभी कभी करंट को ओमेगा के फॉर्म में भी दिया जा सकता है। सिमिलरली एक और चीज से हम इसको कर सकते हैं, दैट इज स्पीड के फॉर्म में, क्योंकि देखो स्पीड क्या होती है, एक पूरा चक्कर कंप्लीट होता है तो उसको हम डिस्टेंस कहते हैं, कितना, 2 पाई आर। तो यहां पर स्पीड होती है वो डिस्टेंस अपॉन टाइम होती है, और एक चक्कर कंप्लीट करने के टाइम को हम लोग क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। तो यहां पर टाइम पीरियड को 2 पाई आर बाई वी से भी दिया जा सकता है। तो इसी इक्वेशन के अंदर अगर मैं टाइम पीरियड को सब्स्टिट्यूट करूं 2 पाई आर बाई वी से, तो एक और इक्वेशन हमें मिलेगा, आई इज इक्वल्स टू ई अपॉन 2 पाई आर बाई वी, और हम कह सकते हैं ev by 2 pi r। तो यहां पे आप देख सकते हो बहुत सारे इक्वेशंस हमें मिले, 4 और ये जो मेन अपना पीछे वाले जो थे वो 5 और 6, दो इक्वेशंस मैंने आपको बताया n1 n2 वाले। तो यहां पर सिर्फ चार इक्वेशन आपको मिल रहे हैं। अगर रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अगर कुछ रेडियस r के थ्रू घूम रहा है तो उसकी वजह से इस तरह से हम करंट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते, ग्राफ एंड इक्वेशन फॉर्म में करंट कैसे दिया जाता है। सी, अगर आपको मान लो दो टाइप के ग्राफ देंगे, मान लो आपको Q वर्सेस T का ग्राफ दिया है ना, और वो मान लो ऐसे कुछ आ रहा है, ठीक है, और आपको ये कहा है कि कौन से पॉइंट पर करंट की डायरेक्शन नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो वहां पे आप स्लोप निकाल सकते हो, ठीक है। मतलब इस पॉइंट पे अगर आपको चाहिए, इस पॉइंट पे चाहिए, तो आप स्लोप निकालो, आपका काम हो गया। मान लो कभी कभी ये ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन भी दे सकते हैं, है ना, तो स्ट्रेट लाइन ज्यादातर यूज होता है, तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ का आप स्लोप निकाल लो तो आपको क्या मिलेगा, डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी। अगर टेढ़ा मेढ़ा है तो किसी पॉइंट पे आप स्लोप दिखा सकते हो, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, जीरो है, है ना। तो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि इस तरह से है, तो इस पॉइंट के ऊपर स्लोप ऐसे होगा, इस पॉइंट पे स्लोप ऐसा होगा, तो आपको ये पूछ सकते हैं कहां कहां पे स्लोप जीरो है, तो कहां कहां पे करंट जीरो हो रहा है, तो वैसा भी पूछा जा सकता है, है ना। तो ये वाले ऐसे पॉइंट्स है जहां पर स्लोप जीरो हो रहा है, मतलब तुम्हारा करंट यहां पे क्या होता जाएगा, जीरो होता जाएगा। यहां पर स्लोप पॉजिटिव है तो तुम्हारा करंट जो है वो पॉजिटिव होगा, यहां पर स्लोप देख सकते हो आप ऐसे नेगेटिव है तो यहां पे करंट की डायरेक्शन नेगेटिव होगी, और अगर स्ट्रेट लाइन है तो तुम्हारा एक ही जैसी वैल्यू करंट की रहेगी थ्रू आउट दिस ग्राफ, राइट। तो यहां पर करंट की वैल्यू हम दे सकते हैं, करंट इज नथिंग बट स्लोप ऑफ क्यूटी ग्राफ, और इसको इस थीटा को मेजर करके भी दिया जा सकता है ना, स्लोप का फॉर्मूला टेन थीटा, राइट। तो हम ऐसे भी करंट की वैल्यू दे सकते हैं, फाइन। तो ये ग्राफिकल में देखना, क्यूटी ग्राफ है तो स्लोप से आपको मिलेगा। अच्छा, अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन फ्रॉम फॉर्म में देखा जाए तो आई आपको निकालना है, तो आप डिफरेंशिएशन ऑफ चार्ज विद रिस्पेक्ट टू टाइम करके भी करंट निकाल सकते हो, और इसको कहा जाता है इंस्टेंटेनियस करंट। क्या कहा जाता है, इंस्टेंटेनियस करंट, ठीक है। कभी कभी आपको करंट वर्सेस टाइम का ग्राफ दे दिया जाएगा, तो उस केस के अंदर आईटी ग्राफ के अंदर आपको क्या दे दिया जाएगा, आपको दे दिया जाएगा कि भाई चलो मान लो आईटी ग्राफ कुछ ऐसा है, और आपको ये बोल दिया जाएगा कि आपको यहां से मतलब इस टी इक्वल्स टू टी वन से लेकर टी इक्वल्स टू टी टू तक कितना चार्ज फ्लो रहा है फाइंड करना है। तो आपको कुछ नहीं करना बेटा, ये ग्राफ का जो एरिया अंडर द कर्व है वो फाइंड कर लेना है। लेट्स से दिस इज एरिया अंडर द कर्व, और ये एरिया अंडर द कर्व अगर आपको फाइंड करना है तो आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। मतलब अगर इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन हम बात करें, यहां पर मैं ग्राफ के लिए लिख रहा हूं एरिया अंडर द कर्व ऑफ आई टी ग्राफ गिव्स डेल्टा क्यू, याद रखना चेंज इन चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज आपको दिया जाएगा। कभी कभी आपको ऐसा भी दे सकते हैं कि इनिशियली इतना चार्ज फ्लो हो रहा था, इतने टाइम के बाद अब कितना चार्ज फ्लो हो रहा होगा, तो आपको इससे डेल्टा क्यू मिलता है, इसका ध्यान रहे, इससे आपको क्या मिलेगा, डेल्टा क्यू। कभी कभी आपको इनिशियल फाइनल चार्ज दे सकते हैं, तो डेल्टा क्यू इक्वल्स टू क्यू फाइनल माइनस क्यू इनिशियल से भी आप दिया जा सकती है वैल्यूज कि कितना चेंज आया। एक्चुअली ये जो एरिया है वो हमेशा चेंज देता है, याद रखना। कभी कभी इनिशियल दे देंगे, फाइनल पूछेंगे तो आपको चेंज को ऐड करना है वहां पे, ठीक है, तो इसका खास ध्यान रहे। आगे देख लो, इन टर्म्स ऑफ इक्वेशन अगर हम बात करें तो इट इज इंटीग्रेशन टी वन से टी टू, जो भी आई एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया उसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू डी टी, देन यू विल बी गेटिंग डेल्टा क्यू चार्ज विच फ्लोज थ्रू द कंडक्टर बिटवीन टाइम टी वन एंड टी टू। तो ये हो गई ग्राफिकल सेक्शन वाली बात। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं करंट डेंसिटी। सबसे पहले तो एक चीज का ध्यान रहे कि करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसका ध्यान रहे, एक ऐसी क्वांटिटी है, इट्स अ वेक्टर क्वांटिटी, है ना। इसका बेसिक फॉर्मूला है जे इक्वल्स टू आई बाई ए कॉस थीटा,
ठीक है, जे इक्वल्स टू आई बाई ए कॉस थीटा, आई इक्वल्स टू जे डॉट ए बी हम कहते हैं, ठीक है, और यहीं से आता है जे ए कॉस थीटा, जो आई को एक स्केलर क्वांटिटी बताता है, ठीक है, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से, जो दो वेक्टर के डॉट प्रोडक्ट से क्वांटिटी मिलती है वो हमेशा स्केलर होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, बहुत सारे फॉर्मूलाज है जे के, जे इज ऑल्सो इक्वल्स टू एन ई वी डी, वेयर वी डी इज नथिंग बट ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, एन इज नथिंग बट फ्री चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, फ्री चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम, और ई इज अ फंडामेंटल चार्ज। जे का एक और फॉर्मूला है, दैट इज कॉल्ड सिग्मा इनटू ई, जे इज ऑल्सो गिवन एज ई बाय रो, तो इसके बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जो हम यूज करते हैं, राइट। तो करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी का मतलब एक्चुअली क्या होता है, तो अगर कोई भी कंडक्टर आपको इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, और उसके अंदर जो कोई भी करंट मान लो फ्लो हो रहा है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो भी करंट फ्लो हो रहा है, जो भी करंट फ्लो हो रहा है, वो जैसे जैसे एरिया कम हो रहा है तो उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है उस एरिया में बढ़ता है, इसी कॉन्सेंट्रेशन को हम करंट डेंसिटी कहते हैं, कि करंट कितना डेंसली फ्लो हो रहा है यहाँ से, ठीक है। याद रखना, कभी भी कंडक्टर के अंदर करंट हमेशा सेम फ्लो होगा, अगर एरिया चेंज होता है तो करंट डेंसिटी के अंदर आपको फर्क दिखेगा, इसका ध्यान रहे। यहाँ पर आप देख सकते हो छोटा एरिया है, ये बड़ा एरिया है, ठीक है। अच्छा, करंट सीरीज में हमेशा कांस्टेंट रहता है, मतलब इस कंडक्टर में करंट सेम है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर करंट डेंसिटी कम होगी और यहाँ पर करंट डेंसिटी बढ़ जाएगी। Why? Because here area is less. अगर एरिया लेस है तो J equals to I by A के हिसाब से एरिया कम होगा, करंट डेंसिटी बढ़ेगी, मतलब आप कितना ज्यादा करंट तुम्हारा डेंस हो रहा है उसी को हम करंट डेंसिटी कहते हैं, राइट। तो उसको हम बहुत सारे टर्म्स में यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, राइट। तो जे एक वेक्टर क्वांटिटी है, बहुत सारे फॉर्मूलाज इसके हम लोग ने देखे, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, रिलैक्सेशन टाइम क्या है, ड्रिफ्ट स्पीड क्या है, मोबिलिटी क्या है। तो जनरली अगर देखा जाए तो कोई भी जो एलिमेंट है, कोई भी मतलब इलेक्ट्रॉन्स है, वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, जैसे मैं बताऊं, इतने से डिस्टेंस में चलने के लिए भी उसको मान लो आधा घंटा, पौना घंटा, एक घंटा, डेढ़ घंटा लग सकता है, तो इतना ज़्यादा टाइम उसको लगता है। और क्योंकि वो जो इलेक्ट्रॉन चलता है वो एक्चुअली एक्सेलरेटेड मोशन नहीं करता, वो टकराता हुआ चलता है, और उसकी जो स्पीड होती है उसको हम ड्रिफ्ट स्पीड या तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। अब रिलैक्सेशन टाइम क्या है, तो देखो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कोई भी कंडक्टर के अंदर जब कोई भी इलेक्ट्रॉन चलता है तो मेन उसके जो एटम्स होते हैं उसको टकराता हुआ, कोलिजन करता हुआ चलता है, तो उसका जो रैंडम मोशन होता है जनरली देखा जाए तो कुछ इस तरह से टक 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 ऐसे चलेगा पूरा, ठीक है, टकराता हुआ। तो ये जो दो पॉइंट के बीच का एवरेज टाइम होता है, एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन, क्या कहते हैं इसे, एवरेज टाइम बिटवीन टू कोलिजन, बिटवीन टू कोलिजन इज कॉल्ड रिलैक्सेशन टाइम, इज रिलैक्सेशन टाइम। तो जितने सारे कोलिजन के टाइम होते हैं, लेट्स से इट्स टाउ वन प्लस टाउ टू प्लस टाउ थ्री, जितने कोलिजन के टाइम है एन तक, डिवाइडेड बाई एन करने से आपको रिलैक्सेशन टाइम मिलता है, दैट इज एन एवरेज टाइम, एवरेज टाइम बिटवीन टू फ्री, जब तक वो फ्री घूम रहा है उस वाला एवरेज टाइम को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। नेक्स्ट आता है वीडी, ठीक है, वीडी का एक फॉर्मूला है, दैट इज कॉल्ड ईई बाई एम इन टू टाउ, ठीक है, ये फॉर्मूला, इसका जो ऑर्डर होता है वो 10^-4 मीटर पर सेकेंड का होता है ना, विच इज 0.1 मिलीमीटर पर सेकेंड के ऑर्डर की ये ड्रिफ्ट स्पीड होती है, ठीक है। मोबिलिटी क्या होता है, मोबिलिटी इज डिफाइंड एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोबिलिटी कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज कॉल्ड मोबिलिटी। अब इसके आप लोग मतलब वेरियस फॉर्मूलाज यहाँ पे डिराइव किए जा सकते हैं, है ना, ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरियस फॉर्मूलाज डिराइव किए जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक अभी हमने जस्ट फॉर्मूला देखा था जे इक्वल्स टू एनी वीडी, एक फॉर्मूला देखा था आपने जे इक्वल्स टू सिग्मा आई। अभी इसी इक्वेशन वन और इसी इक्वेशन टू को आप कंपेयर करो तो एनी वीडी इज इक्वल्स टू सिग्मा ई, उसमें बेटा ये वीडी और ई का रेशियो ले लो तो आपको वीडी बाई ई मिलेगा कितना, सिग्मा बाई एनी। तो ये भी आपका एक मोबिलिटी का ही फॉर्मूला हो गया, ठीक है, दिस ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ मोबिलिटी, ठीक है। तो यहाँ पर आप उसका यूनिट वगैरह भी देख सकते हो, कंडक्टिविटी इलेक्ट्रिक फील्ड से आप उसका, इलेक्ट्रिक फील्ड और वेलोसिटी से आप उसका आराम से यूनिट निकाल सकते हो, न्यूटन पर कूलम, वोल्टमन मीटर यूज किया जा सकता है। तो उसका यूनिट कितना होगा, तो ऊपर होगा मीटर पर सेकेंड, नीचे होगा वोल्ट पर मीटर, तो उसका यूनिट हो जाएगा मीटर स्क्वायर पर वोल्ट सेकेंड, दिस इज अ यूनिट ऑफ मोबिलिटी। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला वगैरह भी पूछा जा सकता है, जो आपको पता है आप आराम से निकाल सकते हो, राइट। तो दिज आर द क्वांटिटीज,
दैट आर यूजफुल, ठीक है। और इसका बहुत सारा मतलब टेम्परेचर डिपेंडेंस है, वो आगे हम लोग देखेंगे, सिग्मा वगैरह टेम्परेचर पर डिपेंडेंट होता है, तो उसके बारे में आगे बात करूंगा। चलिए, ओम्स लॉ एंड उसका लिमिटेशन। व्हाट इज ओम्स लॉ? सी, ओम्स लॉ इज वाइडली यूज्ड लॉ, बट इट इज नॉट अ यूनिवर्सल लॉ। पहले एक चीज याद रखना, इट्स नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, इट्स एप्लीकेबल ओनली फॉर कंडक्टर्स। इट्स एप्लीकेबल ओनली फॉर कंडक्टर्स, याद रखना, इट्स नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, इट्स नॉट अ यूनिवर्सल लॉ, इट्स एप्लीकेबल एप्लीकेबल ओनली फॉर कंडक्टर्स, एप्लीकेबल ओनली फॉर कंडक्टर्स, ठीक है। मतलब अगर कोई कंडक्टर्स को आपने कोई एक वेरिएबल बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ पर एमिटर लगाया हुआ है, और इसके आजू बाजू आपने एक वोल्ट मीटर लगाया हुआ है, और आप इसके अगर सारे रीडिंग्स लोगे, है ना, प्रैक्टिकल करते हैं हम लोग, अगर आप सारे रीडिंग्स इसके लेते हो, है ना, वी और आई के रीडिंग लोगे, वी वन वी टू वी थ्री वी फोर, चार रीडिंग आपने लिए, आई वन आई टू आई थ्री आई फोर, तो आप ये पाओगे कि V बाई आई का रेशियो जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, और उसी को हम लोग कहते हैं रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर, ठीक है। अब ओम्स लॉ जो है उसके कुछ लिमिटेशंस है। ओम्स लॉ जो ओम्स लॉ का पालन करते हैं, ऐसे वाले जो डिवाइसेस है, ठीक है, जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, तो उस डिवाइसेस का जो VI ग्राफ होता है वो हमेशा लीनियर होता है। लेट से वोल्टेज वर्सेस करंट ग्राफ ऑफ द डिवाइसेस दैट फॉलोज ओम्स लॉ इज ऑलवेज लीनियर। मतलब अगर मैं ऐसे कहूँ कि ये लीनियर ग्राफ है, तो दैट इज ओनली फॉर डेल्टा वी बाय डेल्टा आई। और इसकी अगर मैं बात करूं डेल्टा वी बाय डेल्टा आई, सो दैट विल गिव यू व्हाट? दैट विल गिव यू द रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहां से पता चला कि भाई इसका रेजिस्टेंस जो है वो ऑलमोस्ट जो है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो वी आई ग्राफ लीनियर फॉलो करते हैं, वी आई ग्राफ लीनियर है, ऐसा जो फॉलो करते हैं उसको, है ना, वी आई ग्राफ तुम्हारा लीनियर होना चाहिए, ये जो फॉलो करते हैं, ऐसे डिवाइसेस को ओहमिक डिवाइसेस कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? ओहमिक डिवाइसेस कहे जाते हैं, जिसे हम लोग रेजिस्टेंस का दर्जा देते हैं। अच्छा, ऐसी चीज जो फॉलो नहीं करती उसे हम लोग लिमिटेशंस में कंसिडर करते हैं। जैसे वेरी हाई टेम्परेचर पर अगर आप देखो, एट अ वेरी हाई टेम्परेचर कंडक्टर्स जो है, कंडक्टर्स एट हाई टेम्परेचर, है ना, कंडक्टर्स जनरली फॉलो करते हैं, लेकिन हाई टेम्परेचर पे वो भी फॉलो नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कंडक्टर्स फॉलो करते तो ये वोल्टेज है, करंट है, तो हमने देखा जैसे वोल्टेज बढ़ता है करंट बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ता है करंट बढ़ता है, लेकिन अगर टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ता है वैसे करंट इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है। मतलब ये स्ट्रेट लाइन तो होती है, लेकिन हाई टेम्परेचर पर ये लाइन ऐसे डाइवर्ट होती है, ठीक है। तो ये जो है वो एक्चुअल लाइन है, ये जो है वो आइडियल वाली लाइन है। अगर फॉलो होता तो स्ट्रेट जाती, लेकिन यहाँ पर वो फॉलो नहीं करता है, है ना, तो यहाँ पर इट डज नॉट फॉलो। तो इसीलिए इसको हम कहते हैं लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। तो सबसे पहला जो लिमिटेशन है, दैट इज दिस फॉर कंडक्टर्स। सेकेंड लिमिटेशन जो है दैट इज कॉल्ड डायोड के लिए हमने बताया था। भाई डायोड जो होता है वो सेमी कंडक्टिंग डिवाइस है, उसमें फॉरवर्ड बायस में बिल्कुल अलग बिहेवियर होगा और रिवर्स बायस मोड पे बिल्कुल अलग बिहेवियर होगा, राइट। तो यहाँ पर कभी भी कोई भी डिवाइस ऐसा है जिसकी पोलैरिटी चेंज करने से उसके बिहेवियर में चेंज आता है, वीआई ग्राफ में चेंज आता है, तो वो कभी भी ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, इसकी पोलैरिटी में पहले मस्त फ्लो रहा था, लेकिन जैसे रिवर्स करके ज्वाइन किया तो रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो माइनस वोल्टेज वाली है वो बिल्कुल डिफरेंट ही निकली। मतलब यहाँ पे ये बिल्कुल फॉलो कर ही नहीं रहा, ऐसे करंट बढ़ ही नहीं रहा रिवर्स में, राइट। करंट बढ़ता तो ऐसे नीचे जाता, याद रखना, ये माइक्रो एम्पियर में होता है, लीकेज करंट इज वेरी वेरी स्मॉल, और ये मिली एम्पियर में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर By changing polarity, if behavior changes, then it is included in the limitation of Ohm's law. So, by changing polarity, the behavior or characteristics changes. ठीक है, दूसरा हमने एक टनलिंग डायोड का देखा था, है ना, टनलिंग डायोड का एग्जाम्पल देखा था। टनलिंग डायोड का एग्जाम्पल क्या था? तो टनलिंग डायोड का एग्जाम्पल कुछ ऐसा था कि अगर टनलिंग डायोड को हम देखें, उसकी एक करंट की वैल्यू है, मान लो ये वोल्टेज है, ठीक है, तो उसके अलग अलग वोल्टेज पर सेम करंट की वैल्यू मिलती है, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, है ना। मतलब द रिलेशन बिटवीन वी एंड आई मस्ट बी यूनिक। यहाँ पे कैसा है, अलग अलग वोल्टेज पर, V1 पर भी I मिल रहा है, V2 पर भी I मिल रहा है,
मतलब अगर अलग अलग वोल्टेज पर सेम करंट मिले तो भी यूनिक नहीं है, अलग अलग करंट पर सेम वोल्टेज मिले तो भी यूनिक नहीं है, तो ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता है। मतलब वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स और वीआई ग्राफ मस्ट बी यूनिक, वीआई ग्राफ और वीआई वैल्यूज मस्ट बी यूनिक, वो यूनिक होनी चाहिए। यहां पर ये चीज फॉलो नहीं हो रही है, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, व्हाट इज रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। सी फॉर एनी गिवन कंडक्टर ऑफ लेंथ एल एरिया ए, ठीक है, इन दोनों टर्मिनल के बीच में उनका जो भी बेटा रेजिस्टेंस होगा उसका फॉर्मूला है रो एल बाई ए, वेयर रो इज कॉल्ड रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी दैट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, दैट डिपेंड्स ऑन रेजिस्टिविटी, डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ मटीरियल एंड टेम्परेचर। इसका जो बेटा यूनिट होता है, दैट इज ओम मीटर, रेजिस्टिविटी का यूनिट होता है ओम मीटर, ठीक है। तो रेजिस्टेंस है रो एल बाई ए, ठीक है, और रेजिस्टिविटी जो है आर ए बाई एल से आप दे सकते हो, ठीक है, वेयर दिस इज एरिया ए, ठीक है, एल इज द लेंथ एंड रो इज द रेजिस्टिविटी। सी अब यहां पर कभी कभी क्यूब वाले रेजिस्टेंस पूछे जाते हैं, जैसे क्यूब है उसका रेजिस्टेंस क्या होगा निकालो ऐसा बोला जाएगा। तो मान लो ये तुम्हारा ये बी है, ये एल है ना, और ये एच है मान लो, ठीक है। अभी आपको बोला है कि चलो भाई आप ये पी और नीचे क्यू, पी और क्यू के बीच में रेजिस्टेंस निकालो, तो पी और क्यू के लिए ये वाला एरिया हो जाएगा, दिस बिकम्स एरिया एंड दिस बिकम्स लेंथ। तो फॉर रेजिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, जिसको मैं कहूंगा यहां पे आर पी क्यू, तो आर पी क्यू की वैल्यू आएगी रो इंटू दिस एल बाय दिस एरिया, तो ये एरिया का लेंथ इंटू ब्रेथ, मतलब एल इंटू एच, ठीक है। अगर आपको पूछा जाए व्हाट इज रेजिस्टेंस बिटवीन दिस एंड दिस लाइन, है ना, ये अपने पी क्यू थे, ये पी एंड क्यू थे, ठीक है। आपको पूछा जाएगा कि आप इसके बीच में निकालो व्हाट इज द रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, लेट से दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई, तो आप खुद सोचो एक्स और वाई में कनेक्ट करेंगे तो ये लेंथ का काम करेगा और ये वाला जो है वो एरिया का काम करेगा, ठीक है। दिस बिकम्स एरिया, ये तुम्हारा एरिया हो जाएगा, ये यहाँ से करंट घुसेगा और यहाँ से करंट निकलेगा, तो क्रॉस सेक्शनल एरिया की तरह बिहेव करेगा। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि अगर मैं बात करूँ फॉर रेजिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, तो मैं रो एल बाई दिस इंटू दिस, मतलब एच इंटू बी, ठीक है। नेक्स्ट है रेजिस्टेंस बिटवीन दिस फ्रंट एंड बैक, लेट से कि मैं आपको ये बताऊंगा कि ये पॉइंट है और पीछे वाला कोई पॉइंट है, लेट से इट्स आर एंड एस, ठीक है, तो उसके लिए ये वाला जो है वो लेंथ हो गया, है ना, कितनी लेंथ है ये, एच हो गई, और एरिया जो है ये सामने दिख रहा है वो एरिया हो जाएगा विच इज एल इंटू बी, तो लेंथ हो गई तुम्हारी एच। आपको सिर्फ लेंथ देखना है, आर बिटवीन आर एंड एस दैट इज इक्वल्स टू रो इंटू लेंथ हो गई तुम्हारी एच और एरिया हो गया, एच है तो एरिया बाकी के दो से बनेगा एल इंटू बी, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला हो गया, ये एक फॉर्मूला हो गया। तो आपको इस तरह से अगर कोई क्यूब दिया जाता है तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें आपको क्यूब दिया जाएगा, साइड बता दी जाएगी, रेशियो पूछेंगे, है ना, कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस फॉर बिटवीन आर एक्स वाई बिटवीन आर पी क्यू, तो रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस क्या होगा, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे आ सकते हैं, ठीक है। तो ये मतलब इंपॉर्टेंट चीज है, ये तीन चीज को याद रखना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट दैट इज सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। सी सीरीज कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस मतलब बैक टू बैक कनेक्शन, याद रहे, सीरीज कनेक्शन के अंदर लेट से दिस इज रेजिस्टेंस आर वन, दिस इज रेजिस्टेंस आर टू, हमेशा बेटा दो पॉइंट आपको याद रखना है फॉर सीरीज रेजिस्टेंस, करंट इन बोथ द रेजिस्टेंस विल ऑलवेज बी सेम, तो करंट रिमेन्स सेम एंड वोल्टेज डिवाइड्स, ठीक है। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है सीरीज के लिए, तो आर इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू आर वन प्लस आर टू, ठीक है, और फॉर एन इक्वल रेजिस्टर्स इन सीरीज आपका बेटा फॉर्मूला बनता है एन टाइम्स आर। दूसरी एक चीज मैं आपको बता दू जो काम की है, दैट इज कॉल्ड वोल्टेज डिवाइडर रूल, ठीक है। ये वोल्टेज डिवाइडर रूल समझ लो, अगर ऐसे दो रेजिस्टेंस कभी भी सीरीज में ज्वाइंट है, ठीक है, लेट से दिस इज आर वन दिस इज आर टू, और इसको अगर किसी वोल्टेज के साथ ज्वाइंट किया गया है, लेट से दैट इज वी,
तो इसका वोल्टेज V1 होगा, इसका वोल्टेज V2 होगा, V1 plus V2 is always equals to V, ठीक है। तो यहां पर ये V1 की वैल्यू कितनी होगी, तो याद रखने के लिए ये V1 की वैल्यू मतलब इसका पोटेंशियल डिफरेंस V1 है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, तो V1 is always equals to अपना रेजिस्टेंस अपॉन सबका रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय टोटल वोल्टेज, V2 is also equal to अपना रेजिस्टेंस अपॉन सबका रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय अप्लाइड वोल्टेज। आराम से आपको इन दोनों का वोल्टेज मिल जाएगा। याद रखना V1 plus V2 हमेशा V के बराबर होना चाहिए, ठीक है। पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, सी पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस कुछ ऐसा सा कनेक्शन है जिसके अंदर याद रखना एक पॉइंट और दो पॉइंट जो है वो हमेशा कॉमन पोटेंशियल पे होना चाहिए। मतलब ये जो बैटरी है उसका फर्स्ट टर्मिनल सेकंड टर्मिनल दोनों को इक्वल वोल्टेज देना चाहिए। मतलब यहां पर करंट डिवाइड होगा, वोल्टेज कांस्टेंट रहेगा। करंट डिवाइड्स वोल्टेज रिमेंस कांस्टेंट। करंट डिवाइड्स का मतलब ये कि भाई I1 एंड I2 को ऐड करके टोटल करंट मिलेगा और ये V इन दोनों का सेम रहेगा। मतलब अगर यहां से करंट मान लो I आ रहा है तो इसमें जाएगा I1, इसमें जाएगा I2, ठीक है। सो करंट डिवाइडर हो गया वोल्टेज रिमेंस कांस्टेंट। करंट डिवाइडर रूल भी मैं आपको बता देता हूं, लेकिन इससे पहले इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देख लेते हैं। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, इसका नेट रेजिस्टेंस आपको मिलेगा, सीधा फॉर्मूला यूज होता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 एंड सो ऑन अप टू 1/RN। फॉर n इक्वल रेजिस्टर्स इन पैरेलल आपका सीधा शॉर्टकट है, R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू R/N। दो रेजिस्टर्स के लिए आप लोग R1 R2 upon R1 plus R2 बहुत यूज होता है। फॉर टू रेजिस्टर्स सीधा यूज होता है शॉर्टकट फॉर्मूला R1 R2 upon, बच्चे सबसे ज्यादा यूज करते हैं फॉर्मूला, ठीक है, क्योंकि जनरली दो दो रेजिस्टेंस करके हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ करंट डिवाइडर रूल को कैसे यूज करना है। सी मान लो आपका एक रेजिस्टेंस है लेट से R1, दूसरा रेजिस्टेंस है लेट से R2, और मान लो बेटा ये आपका कुछ बैटरी है और वो कुछ करंट I दे रहा है, इसमें से करंट जा रहा है I1, इसमें से करंट जा रहा है I2। मान लो आपको I1 और I2 फाइंड करना है, तो इसके लिए एक शॉर्टकट ट्रिक बता देता हूँ, दैट इज कॉल्ड करंट डिवाइडर रूल। इसको कहा जाता है करंट डिवाइडर रूल। करंट डिवाइडर रूल क्या कहता है, करंट डिवाइडर रूल ये कहता है कि I1 आपको मिलेगा टोटल करंट इनटू, याद करना इसमें क्या किया था, अपना रेजिस्टेंस अपॉन सबका रेजिस्टेंस, इसमें उल्टा करना है, उसका रेजिस्टेंस अपॉन सबका रेजिस्टर। R1 का ढूंढ रहे हो तो R2 upon R1 plus R2, और I2 तेरा हो जाएगा I into R1 upon R1 plus R2, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरा रजिस्टर मिल जाएगा, करंट मिल जाएगा, इस तरह से डिवाइड होगा। और इसमें कुछ शॉर्टकट्स भी आपको बता सकता हूँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि ये दोनों रेजिस्टेंस सेम है, तो याद रखना करंट इक्वली डिवाइड होगा, अगर 10 एम्पीयर यहाँ से आया तो 5-5 जाएगा। अगर आपको एक कोई बंच मिल गया और आपको लग रहा है डबल है, यहाँ पे डबल रेजिस्टेंस है, यहाँ पे सिंगल रेजिस्टेंस, मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 ओम है, यहाँ पे 1 ओम है, तो जो ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उसमें कम करंट फ्लो होगा, जो कम रेजिस्टेंस होगा उसमें ज्यादा करंट फ्लो होगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर किसी में 5 एम्पीयर फ्लो है, उसका रेजिस्टेंस 1 ओम है, तो 2 ओम वाले के अंदर 2.5 एम्पीयर फ्लो होगा, आधा, मतलब रेजिस्टेंस डबल करंट आधा। मतलब ये छोटे छोटे ऐसी चीजें जो आप सीधा हैंडी यूज कर सकते हो सर्किट सॉल्यूशंस के अंदर, राइट। आगे बढ़ते हैं, चलो, स्ट्रेचिंग अ वायर। जब भी आप वायर को स्ट्रेच करते हो तो आपका जो फॉर्मूला है R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, उसमें उसकी लेंथ, मान लो उसकी लेंथ n टाइम्स इंक्रीज हो रही है, क्वेश्चन में सिर्फ दिया लेंथ इंक्रीजेस बाय n टाइम्स, तो इफ दैट इंक्रीज इज लेस देन 5%, इफ द इंक्रीज इज लेस देन 5%, तो आप सबसे पहले तो इसको ऐसे फॉर्मूला में कन्वर्ट करो जो सिर्फ लेंथ पे डिपेंडेंट हो, बाकी सारी क्वांटिटीज कांस्टेंट रहे। तो यहां पे देखो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाइड बाय l, डिवाइड बाय l करके इस फॉर्मूला को कन्वर्ट करूंगा रो एल स्क्वायर बाय वॉल्यूम, क्योंकि आप जब खींचोगे तो वॉल्यूम तो कांस्टेंट ही रहना है। तो यहां पर आप एरर वाली मेथड यूज कर सकते हो। एरर मेथड कब यूज करनी है, एरर मेथड यूज करनी है इफ चेंज इज लेस देन 5%, 0.2%, 2%, 2%, 2.5% यूज करो। कैसे यूज करेंगे, डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल टू 2 times डेल्टा एल बाय एल, ठीक है, ओके। सीधी आप एरर मेथड यूज करो, नहीं तो क्या करना पड़ेगा, नहीं तो आपको जैसे फॉर एग्जांपल 2 गुना लेंथ बढ़ा दी, तो आपको एक रेजिस्टेंस तो ये लेना है ओल्ड रेजिस्टेंस, फिर न्यू रेजिस्टेंस 2 गुना लेंथ बढ़ा के फाइंड करना है, विच इज 2 times ऑफ एल
का स्क्वायर मतलब 4 टाइम्स एल स्क्वायर, और उसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना है आर फाइनल माइनस आर इनिशियल अपॉन आर इनिशियल इनटू 100, दैट विल गिव यू द चेंज इन रेजिस्टेंस पर दिस रेजिस्टेंस, और वो भी परसेंटेज में, मतलब रेजिस्टेंस की परसेंटेज चेंज कितनी हुई वो फाइंड करने के लिए फाइनल अपॉन फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इनटू 100 करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कभी भी वॉल्यूम चेंज ये चेंज होता है, लेंथ चेंज होती है, तो हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये हम यूज करेंगे, ठीक है। कभी भी अगर एरिया चेंज होता है, एरिया डबल करा, तो आपको एरिया के फॉर्म में आंसर लाना है। जैसे फॉर एग्जांपल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है रो एल बाय ए, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो मेरे को इसको वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है, एरिया को रहने देना है, तो एरिया को मल्टीप्लाई एरिया को डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका आर इक्वल्स टू रो वॉल्यूम अपॉन एरिया का स्क्वायर। और यहाँ पे एरर मेथड यूज कर सकते हैं, डेल्टा आर बाय आर इक्वल्स टू 2 टाइम्स डेल्टा ए बाय ए। याद रखना यहाँ पर ऊपर एल है तो यहाँ पर जो होगा वो इंक्रीमेंट होगा, दिस इंक्रीजेस रेजिस्टेंस इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग द लेंथ, और यहाँ पर क्योंकि नीचे है तो यहाँ पर जो होगा एरिया बढ़ाने से इट डिक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग एरिया। अगर एरिया बढ़ेगा तो आर जो है वो डिक्रीज होगा, अगर लेंथ बढ़ेगा तो आर जो है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। ये मैं बढ़ा के बता रहा हूँ, ठीक है, कम करने से उल्टा होगा। और यहाँ पे भी हम लोग वो वाली मेथड यूज कर सकते हैं। इसी में अगर रेडियस चेंज होता है तो आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, बट यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि रो एल बाई पाई आर स्क्वायर, ठीक है। अगर हम एरिया का स्क्वायर भी यहाँ पे पुट करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लेंथ भी चेंज हो रही है, तो मैं लेंथ को वापस अगर हम वॉल्यूम के फॉर्म में लेकर आए तो बेस्ट है, तो रो वी बाई ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, तो रो वॉल्यूम अपॉन पाई आर स्क्वायर का भी स्क्वायर, that is rho volume upon pi r raised to 4. So resistance is inversely proportional to r raised to 4. So beta, jab bhi aap error wali method use karo, to delta r by r equals to aapka ho jayega 4 times delta small r by small r. Ye hai beta aapka radius aur ye hai aapka resistance, yaad rahe. Theek hai, baki bada change ke liye to aap ye formula sab jagah pe use kar sakte ho aaram se. Theek hai? So these are important formulas. ठीक है, दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास, ठीक है। अब यहां पर कभी कभी ऐसा दिया जाता है कि 10% 20% बढ़ा, लेंथ इंक्रीज बाय 10%, एरिया डिक्रीज बाय 20%, तो आपको अगर कभी भी ऐसा दिया जाए इंक्रीज ऑफ लेंथ बाय 20% मान लो, ठीक है, तो पुरानी लेंथ जो थी उसके अंदर 20% इंक्रीमेंट को ऐड करना है, दैट्स नथिंग बट एल प्लस 0.2L, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 1.2L, ठीक है। तो इसका आपको यूज कर सकते हो, 50% है तो L प्लस 0.5L, 100% है तो L प्लस L 2L हो जाएगा, 200% तो L प्लस 2L हो जाएगा। तो कभी कभी बहुत सारे क्वेश्चन इसके पूछे जाते हैं, परसेंटेज के फॉर्म में पूछे जाते हैं, एरर्स के फॉर्म में पूछे जाते हैं, कम ज्यादा बढ़ा के पूछते हैं, ये वाला मेथड यूज होती है। तो इसके कुछ क्वेश्चन अच्छे से आपको प्रैक्टिस कर लेने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट बेटा क्यूब सर्किट्स, क्यूब सर्किट्स क्या है इसका मैं आपको शॉर्टकट बता दूंगा। मान लो आपका ये जो हर एक का रेजिस्टेंस है आर ओम, ये हर एक का रेजिस्टेंस कितना है आर ओम, है ना, ये क्यूब है ना, इसमें सबका रेजिस्टेंस है आर ओम ऐसे, ठीक है, सबका रेजिस्टेंस ईच लाइन ऑफ क्यूब हैज रेजिस्टेंस आर ओम। उस केस में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा, कब, अगर हम यहां से यहां तक शॉर्टेस्ट लेंथ जो एल है उसके बीच में ढूंढते हैं, मतलब लेट से दिस इज पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, अगर हम यहां पे ढूंढते हैं, लेट से इन दो के बीच में ढूंढते हैं, इन दो के बीच में विच इज द फेस डायगनल, इसको कहा जाता है फेस डायगनल। अगर इस फेस डायगनल के बीच में आप ढूंढ रहे हो कि भाई इस ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस क्या होगा, और यहां पर आप ढूंढ रहे हो द लॉन्गेस्ट डायगनल ये वाला विच इज रूट थ्री एल जितना दूर होगा, और यहां पे पॉइंट ए है और यहां पर पॉइंट बी है, इनके बीच में अगर आप रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हो, तो इसको याद रखने का एक बेस्ट तरीका है कुछ रेशियो है आर टाइम्स, यहां पर भी होगा कुछ रेशियो आर टाइम्स, यहां पर भी होगा कुछ रेशियो आर टाइम्स, तो आपका यहां पे आंसर आएगा, याद रखना 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, मतलब इन दो के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 7/12R, इन दो के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 3/4R, इन दोनों के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगा 5/6R। इसको भी तरीके से किया जा सकता है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ एंड किरचॉफ्स करंट लॉ यूज करके, ठीक है। नेक्स्ट आगे आते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज एंड मीटर ब्रिज क्या है। सी व्हीटस्टोन ब्रिज एक ऐसी सर्किट है
जिसमें ऐसे डायमंड शेप आपको कहीं भी ऐसे सर्किट दिखे, इस तरह की आपको सर्किट दिखे, ठीक है, और यहां पर आपने अगर गैल्वेनोमीटर रखा है, कभी भी अगर ये R1 R2 की वैल्यू और R3 और R4 की वैल्यू का रेशियो सेम हो जाता है, लेट से इफ R1 by R2 becomes equals to R3 by R4, then this is called balanced Wheatstone bridge, और balanced Wheatstone bridge में current from galvanometer G will be equals to zero. यहाँ पर कोई भी current flow नहीं होगा, और यहाँ पर अगर resistor है तो उसको आप निकाल सकते हो, ठीक है? तो ये बहुत सारे type की circuits पूछी जाती है, ध्यान रहे आपको ये आना चाहिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, लेट्स से इसका एक और तरीका है, इसको करने का एक और तरीका, एक और सर्किट आपको दिखेगी, 1 2 3 दिस इज ऑल्सो Wheatstone ब्रिज, इसमें जो आपका गैल्वेनोमीटर था वो यहां पे होगा, सी गैल्वेनोमीटर विल बी हियर, ठीक है, दिस इज योर R1, दिस इज योर R2, दिस इज योर R3 एंड दिस इज योर R4, ये भी एक Wheatstone ब्रिज का ही सर्किट है, ठीक है। मीटर ब्रिज क्या है, मीटर ब्रिज भी एक Wheatstone ब्रिज का ही ऐसे समझोगे सिस्टर सर्किट है। मीटर ब्रिज जो है उसमें यहां पर जो है दो रेजिस्टेंस होते हैं R एंड S, और यहां से यहां तक एक वायर होता है, रेजिस्टिव वायर, और यहां पर एक मीटर स्केल होती है, यहां पर एक मीटर स्केल होती है जो लेंथ मेजर कर सकती है, ठीक है, और बाकी सारा तरीका सेम रहता है। अननोन रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए यूज की जाती है, गैल्वेनोमीटर है जो कि मान लो अगर गैल्वेनोमीटर जीरो रेजिस्टेंस बता रहा है, तब आप ये लेंथ और ये लेंथ जब मेजर करोगे, जब यहां पे जीरो डिफ्लेक्शन पे लेंथ मेजर की जाएगी, तो R अपॉन S का रेशियो विल मैच L1 बाई L2, सो दिस इज द ओनली इक्वेशन। इसको कभी कभी ऐसे भी लिखा जाता है, R बाई S इज इक्वल्स टू L1 अपॉन 100 माइनस L1, इसको ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस, सी वेरी सिंपल फॉर्मूला, रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर T इज इक्वल्स टू R0 इनटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा थीटा, ठीक है। यहां पे जो आपका ये रेफरेंस रेजिस्टेंस है, डेल्टा थीटा इज नथिंग बट थीटा एट गिवन टेम्परेचर माइनस थीटा एट द रेफरेंस टेम्परेचर थीटा नॉट, रेजिस्टेंस आर नॉट जो है वो रेफरेंस टेम्परेचर का रेजिस्टेंस है, थीटा जो है वो गिवन टेम्परेचर का रेजिस्टेंस आर टी थीटा पे होगा, अल्फा इसको टेम्परेचर कोएफिशिएंट, टेम्परेचर कोएफिशिएंट, अल्फा इज नथिंग बट टेम्परेचर कोएफिशिएंट, अल्फा कैन बी पॉजिटिव, अल्फा इज पॉजिटिव, जब अल्फा पॉजिटिव होगा तो क्या, अल्फा नेगेटिव होगा तो क्या, अल्फा पॉजिटिव होगा तो रेजिस्टेंस इंक्रीजेस व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, जब अल्फा नेगेटिव होगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीजेस व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेस, बेस्ट एग्जांपल इज सेमीकंडक्टर, और यहां पर बेस्ट एग्जांपल्स आर मेटल्स। तो यहां पर मैंने एक ग्राफ यहां पे रखा हुआ है जिसमें आप देख सकते हो, ये जो है वो एलॉयज है, ऐसा कहा जाता है कि एलॉयज का जो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी है वो टेम्परेचर के साथ बहुत ज्यादा नहीं बदलती, ऑलमोस्ट उसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ आता है, ठीक है। तो जैसे मैंगनीन हो गया, कॉन्स्टेंटेन हो गया, निक्रोम हो गया, यूरेका हो गया, ये ऐसे एलॉयज है जिसका ग्राफ ऑलमोस्ट स्ट्रेट आता है, और यहाँ पे जो उतर रहा है ग्राफ, मतलब रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती है टेम्परेचर के साथ, किसके लिए, फॉर सेमीकंडक्टर्स, फॉर कार्बन, फॉर इंसुलेटर्स एंड ऑल्सो फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है, ऑल्सो फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, एज टेम्परेचर डिक्रीजेस द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑल्सो डिक्रीजेस, और यहाँ पर टेम्परेचर के साथ जो इंक्रीमेंट देखा जाता है दैट आर फॉर कंडक्टर्स, ठीक है। यहाँ पर एलॉयज में भी थोड़ा पीछे से आपको बढ़ता हुआ दिखता है, ऐसा हम कहते हैं थोड़ा थोड़ा बहुत बढ़ता है, लेकिन ऑलमोस्ट उसकी जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन रहती है। नेक्स्ट किर्चॉफ्स करंट लॉ, सी किर्चॉफ्स करंट लॉ इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, बहुत बार ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना, इसका ये इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, या इस ये रूल कहता क्या है, ये रूल ये कहता है कि किसी भी जंक्शन पर कभी भी कोई चार्ज लॉस नहीं होता, वॉट एवर इनकमिंग करंट I1, I2 एंड I3 जो आ रहा है उतना ही यहां पर जाएगा I4 एंड I5 के फॉर्म में, मतलब मैं ये कह सकता हूं I1 प्लस I2 प्लस I3 माइनस I4 माइनस I5 इज ऑलवेज इक्वल्स टू जीरो। हम ये भी कह सकते हैं एट जंक्शन समेशन ऑफ ऑल द करंट्स इज ऑलवेज जीरो। हम ये भी कह सकते हैं I incoming इज ऑलवेज इक्वल्स टू I outgoing। हम ये भी कह सकते हैं I1 प्लस I2 प्लस I3 इज ऑलवेज इक्वल्स टू I4 प्लस I5। कुछ करना नहीं, आपको चार्ज का हिसाब रखना है, दैट्स इट।
नेक्स्ट किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ. नाउ व्हाट इज दिस किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ, इसको हम लूप लॉ भी कहते हैं. किर्चॉफ्स का सेकेंड लॉ भी कहा जाता है ना. तो केवीएल भी कहा जाता है, लूप लॉ भी कहा जाता है किर्चॉफ्स, इसको हम जंक्शन लॉ भी कहते हैं, किर्चॉफ्स फर्स्ट लॉ भी कहते हैं. ठीक है, तो दिस इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. दिस इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. ठीक है, आपको इसमें हमेशा लूप का इक्वेशन बनाना आना चाहिए. एक सैंपल मैं ले रहा हूं यहां पे, लूप का इक्वेशन बनाना आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए. राइट, आई एम टेकिंग वन सैंपल, आई विल मेक एन इक्वेशन फॉर यू. राइट, ताकि आपको एटलीस्ट एक एग्जांपल से रिफ्रेश हो जाए. यहां पर लेट्स से दिस इज आर वन, दिस इज आर टू, दिस इज आर थ्री. लेट्स से दिस इज योर बैटरी एप्सिलन वन, दिस इज बैटरी एप्सिलन टू, दिस इज बैटरी एप्सिलन थ्री एंड दिस इज एप्सिलन फोर. बेटा याद रखना, अब मैं कुछ चीज़ें आपको बताने जा रहा हूँ, वो आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है. इसको बेटा ब्रांच कहते हैं, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जो भी होता है उसको ब्रांच कहते हैं. एक ब्रांच में एक ही करंट हो सकता है, एक ब्रांच में कभी भी दो करंट नहीं हो सकते. इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो ब्रांच है उसमें मान ले करंट I2 इस डायरेक्शन में फ्लो रहा है. इस पॉइंट से इस पॉइंट की जो सिंगल ब्रांच है, कंटिन्यूस ब्रांच है, उसमें मान ले ऐसा I3 फ्लो रहा है. और इस पॉइंट से इस पॉइंट की ब्रांच में मान ले I4 फ्लो रहा है. ठीक है, तो इसका हमेशा लूप का नाम होता है, कुछ ना कुछ नाम आपको लूप का देना पड़ता है. लेट्स से दिस इज ए बी सी एंड डी. तो फॉर लूप ए बी सी डी ए, इसको हम क्लोज लूप भी कहते हैं. लूप क्लोज होना चाहिए. ठीक है, कभी कभी हम लीनियर केवीएल भी यूज करते हैं, मतलब कभी कभी लीनियर सर्किट में भी हम केवीएल यूज करते हैं, उसका मैं आपको एक सैंपल बताता हूं. जैसे तो यहां पर इक्वेशन क्या बनेगा, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ए. ए से हम जिस डायरेक्शन में जाते हैं उसी डायरेक्शन में करंट जाता है, तो आई इंटू आर. देखो ये रूल क्या कहता है, ये रूल बेटा बहुत ही सिंपल रूल है. ये ऐसा कहता है, समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेजेस मस्ट बी जीरो, वेदर इट इज वोल्टेज ऑफ बैटरी, वेदर इट इज वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस. तो मेरे पास कितने रेजिस्टेंस है, कितने वोल्टेज है, कितनी बैटरीज है. तो देखो इस रेजिस्टेंस में करंट I1 फ्लो रहा है, तो इसका वोल्टेज होगा V इक्वल टू IR. तो एक मेरा वोल्टेज हो गया I1R1. ठीक है, लेकिन तुम जिस डायरेक्शन में जा रहे हो उसी डायरेक्शन में करंट भी जा रहा है, मतलब आपका पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, तो ये माइनस होना चाहिए. आप इसको कूदोगे तो आपका पोटेंशियल, आप नेगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हो तो आपका पोटेंशियल राइज होगा, तो ये होगा पॉजिटिव ऑफ एप्सिलन वन. यहां से जब आप सामने जाओगे तो करंट सामने मिल रहा है, जब करंट सामने मिलेगा तो हम ये कह सकते हैं कि आपका जो IR जो है, I2R2 की वैल्यू जो है वो बढ़ेगी, तो आपका पोटेंशियल बढ़ेगा. तो प्लस I2R2, वापस मैं ऐसे करते हुए जाऊंगा, प्लस एप्सिलन टू माइनस ऑफ I3R3 प्लस एप्सिलन थ्री प्लस ऑफ एप्सिलन फोर, दैट इज इक्वल्स टू जीरो. तो ये हमारा इक्वेशन होता है, समेशन ऑफ ऑल द वोल्टेजेस एंड करंट, ऑल द वोल्टेज ऑफ अ बैटरी एंड ऑल द वोल्टेज ऑफ रेजिस्टेंस मस्ट बी इक्वल्स टू जीरो. मतलब हम ये कह सकते हैं कि जितना भी वोल्टेज तुम्हारे क्लोज लूप में आ रहा है उन सबका एडिशन हमेशा जीरो होना चाहिए. सो दैट्स वॉट किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ इज. बहुत सारे सर्किट्स में हम लोग इसको अच्छे से यूज करते हैं. इसका हमेशा जब भी एप्लीकेशन आप करते हो तो ध्यान रखना होता है कि जितने आपके पास लूप है उतने आप इक्वेशन निकाल सकते हो. कभी कभी बहुत जायंट सर्किट दी हुई होगी तो कभी कभी यहाँ से सर्किट दिया तो तीसरा आपको लूप भी मिलेगा. तो जितना लूप होगा उतने इक्वेशन होंगे, जितना लूप उतने इक्वेशन, उतने ही करंट आपको लेने हैं. इसका ध्यान रहे, जितने लूप उतने इक्वेशन, उतने ही करंट आपके अननोन होने चाहिए. क्योंकि अगर अननोन करंट बहुत सारे आपने ले लिए तो वहां पे आप फंसोगे, आप सॉल्व नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो इसका आपने बहुत अच्छे से सॉल्यूशन किया ही होगा, नो डाउट, है ना. चलो आगे बढ़ते हैं. इट्स जस्ट एन ओवरव्यू ऑफ किर्चॉफ वोल्टेज लॉ, दिस इज अ वेरी जायंट टॉपिक. इसी में सिर्फ 2-3 घंटे में आराम से सर्किट सॉल्व करा सकता हूँ बहुत सारी. राइट, तो ये बहुत ही बड़ा टॉपिक है. हमने सिर्फ सिंपली एक रिवाइज कर लिया कैसे बनाए जाते हैं. आपने ऑलरेडी बना लिए होंगे सर्किट्स. राइट, यू नो हाउ टू सॉल्व दिस सर्किट. चलो एप्लीकेशन ऑफ KCL, जिसके क्वेश्चंस जो है वो बहुत रेयर देखे जाते हैं. ठीक है, KCL के एप्लीकेशन के बहुत कम देखे जाते हैं क्वेश्चंस. मैंने कुछ अच्छे क्वेश्चंस लिए हुए यहाँ पे. जैसे एक क्वेश्चन देखते हैं हम. चलिए मान लो जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें ऐसा बोला है कि गिवन इलेक्ट्रिक सर्किट द पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए बी एंड सी आर. ए पे 30 वोल्ट है, बी पे है तुम्हारा 12 वोल्ट एंड सी पर जो है वो 2 वोल्ट है. ठीक है, अब ऐसा पूछा है द करंट थ्रू रजिस्टर 10 ओम 20 ओम एंड 30 ओम क्या होगा. मतलब इसमें करंट क्या होगा, इसमें करंट क्या होगा, इसमें करंट क्या होगा. तो स्टेप वन, आपको सबसे पहले जंक्शन का वोल्टेज निकाल लेना है. जंक्शन का वोल्टेज निकालने के लिए हम लोग KCL यूज करेंगे. KCL क्या कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस इसका जो भी है डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस करोगे तो इसका करंट मिलेगा. इसका पोटेंशियल डिफरेंस करके डिवाइड बाय रेजिस्टेंस करोगे तो इसका करंट मिलेगा. और इसका पोटेंशियल डिफरेंस दिस माइनस दिस करके इसका रेजिस्टेंस डिवाइड करोगे तो इसका करंट मिलेगा. तो ये कहता है कि इस जंक्शन के ऊपर जितने भी करंट्स हैं उन सबका एडिशन जीरो होना चाहिए. तो ये ऐसा कहता है कि I1 प्लस I2 प्लस I3 मस्ट बी इक्वल टू जीरो. क्या कहता है, I1 प्लस I2 प्लस I3 मस्ट बी इक्वल टू जीरो. तो मान ले यहाँ पर मेरा I1 है, यहाँ पर मेरा I2 है और यहाँ पर मेरा I3 है. कुछ कोई भी डायरेक्शन में जा रहा है, आई डोंट नो कौन सी डायरेक्शन में जा रहा है, बट मेरे को एक चीज पता है कि तीनों का एडिशन जीरो होना चाहिए. चलो तो मैं V को फिक्स रखूंगा, V माइनस 30 बाई 10. I1 इज V माइनस 30 बाई 10 प्लस
V minus 12 by 20, plus V minus 2 by 30 must be equals to 0. अगर हम इसको solve करते हैं, V by 10 plus V by 20 plus V by 30 equals to 30 by 10 plus 12 by 20 plus 2 by 30 होगा. इसको अगर मैं further solve करता हूँ, तो 6, 7, 8, 9, 11, तो 11 V by 60 is equals to, इसको further solve करूँगा तो आएगा 220 by 60. इसको अगर मैंने कैंसिल आउट किया तो दिस बिकम्स, ये मेरे को दे देगा V इक्वल्स टू 20 वोल्ट. तो मेरे को यहाँ का वोल्टेज मिल गया, कितना आएगा 20 वोल्ट. जैसे मेरे को यहाँ का वोल्टेज मिलता है, मेरे सारे करंट अनलॉक हो जाते हैं. मुझे ये भी मिल जाएगा, ये भी मिल जाएगा. क्योंकि इसको इससे मैं फाइंड कर सकता हूँ. तो इन दोनों का डिफरेंस निकालो, हायर माइनस लोअर, 30 माइनस 20, 10 बाय 10 कितना आएगा, 10 बाय 10 इज 1 एम्पियर. फिर हायर माइनस लोअर, हायर कौन है, 20 माइनस 12 बाय 20, तो 20 माइनस 12 इज 8, 8 बाय 20 इज 0.4 एम्पियर. और यहां पर आ गया 20 माइनस 2, विच इज 18, 18 बाय 30 इज 0.6 एम्पियर. सो एक है 1 एम्पियर, दूसरा है 0.4 एम्पियर, तीसरा है 0.6 एम्पियर. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. दिस इज हाउ यू कैन डू द एप्लीकेशन ऑफ KCL. एक और क्वेश्चन हम लोग मेंस का ले लेते हैं 2019 का, जिसमें हम लोग ने बैटरीज के साथ KCL का एप्लीकेशन बताया. ये मैंने जो बताया वो नोड्स के साथ बताया. दीज आर नोड, ये नोड है, ये नोड है. नोड का वोल्टेज दे दिया तो कैसे अप्लाई करना है. नेक्स्ट लेट सी, अगर बैटरीज दी हुई है तो उसको कैसे अप्लाई किया जाता है. ठीक है, चलिए करते हैं. तो यहां पर क्या क्या गिवन है, लेट्स सी. सी इफ फॉर द सर्किट शोन, R1 इज 1 ओम. R1 जो है तुम्हारा 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, ये भी 1 ओम है, ये भी 1 ओम है. R2 इज योर 2 ओम, ये तुम्हारा 2 ओम है. E1 जो बैटरी है वो 2 वोल्ट है. E2 जो बैटरी है वो 4 वोल्ट है. और E3 जो बैटरी है वो भी 4 वोल्ट है. ठीक है, अब ध्यान रहे. सी ये मेरा रेफरेंस, इसको मैं वोल्टेज 0 रेफरेंस अर्थिंग कर लेता हूं यहां पे. ठीक है, अब ध्यान से देखना. यस, सी ये पॉइंट मेरा VA है. मेरे को क्या फाइंड करने का बोला है, डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स A एंड B, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट A एंड B. मतलब आई नीड टू फाइंड आउट VA माइनस VB. मैंने VB को ऑलरेडी 0 बता दिया, तो मेरे को मैं VA माइनस VB फाइंड करूंगा. मतलब मैं VA फाइंड कर लूंगा तो मेरा काम हो जाएगा, मुझे सिर्फ VA फाइंड करना है. ठीक है, नाउ सी आई एम हैविंग दिस 1 ब्रांच 2 ब्रांच 3 ब्रांच, तो 3 करंट होंगे. लेट से 1 इज I1, अनदर इज I2, एंड दिस 1 इज I3. तो ये इसका करंट मैं कैसे निकालूंगा, तो देखो मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कैसे करना है. सी इसका वोल्टेज पकड़ो VA. अब आप यहां से कूद के बैटरी को कूदते हो तो बैटरी 2 वोल्ट की है, तो आप यहां पर हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल पे -2 वोल्ट ड्रॉप होगा. तो आपका -2 वोल्ट ड्रॉप होगा डिवाइडेड बाय आपका रेजिस्टेंस कितना, R1 प्लस R2. इस ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस ले लो, 1 प्लस 1, दैट इज 2. प्लस यहां से आओ, इसको कूदो तो माइनस पे आए, मतलब -4. तो VA -4 डिवाइडेड बाई इस ब्रांच का टोटल रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम. 2 प्लस वापस VA, आप इस ब्रांच पे कूद के आओ तो इस ब्रांच के इस नेगेटिव पोटेंशियल पे जाओगे, -4 बाय टोटल रेजिस्टेंस कितना है, R1, और R1 1 प्लस 1, दैट इज 2, दैट मस्ट बी इक्वल टू 0. तो बेटा ये अपना हो जाएगा VA बाई 2 प्लस VA बाई 2 इक्वल्स टू 2 बाई 2, माइनस उधर जाएगा 1, -4 बाई 2 प्लस 2 उधर जाएगा, और ये भी हो जाएगा +2. तो बेटा ये तेरा हो जाएगा 3 VA बाई 2 इक्वल्स टू 5. तो बेटा तेरा VA हो जाएगा 10 बाई 3. ठीक है, दैट इज नथिंग बट 3.33. सो दिस इज योर करेक्ट आंसर. ठीक है, तो यहाँ पर जो VA है वही आपका उस पोटेंशियल का वोल्टेज हो जाएगा, उस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा. और क्योंकि मैंने VB को 0 ले लिया तो 3.33 माइनस 0 मतलब VA है, वही आपका आंसर है. ठीक है, तो इस तरह से हम लोग KCL अप्लाई कर सकते हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेल्स. बेटा सेल्स जो होते हैं उसको हम कैसे डिस्क्राइब या कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. किसी भी सेल को 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, उसका EMF, और उसका टर्मिनल वोल्टेज. लेट से उसका टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है, जब आप किसी भी सेल को किसी लोड के साथ, कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ कनेक्ट करते हो, तब उसका जो ये 2 पॉइंट के बीच का वोल्टेज है वही उसका टर्मिनल वोल्टेज कहलाता है. या तो रेजिस्टेंस का आजू बाजू जो भी वोल्ट मीटर से आप मेजर करोगे, यहाँ का जो वोल्टेज आएगा वो उसका टर्मिनल वोल्टेज है. मतलब इस पॉइंट का जो वोल्टेज है वही तो इस पॉइंट का वोल्टेज होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में है ना, तो यही वोल्टेज ही ये वोल्टेज है. तो टर्मिनल वोल्टेज या तो बैटरी का ढूंढना है तो रेजिस्टेंस का ढूंढ लो, सेमी वैल्यू आ जाएगी, राइट. तो अब इसका एक इक्वेशन आता है कि जब कोई बैटरी अगर जब कोई बैटरी जिसके पास एक EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस है, एक EMF और इंटरनल रेजिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, या तो वो चार्ज हो रही होगी या तो डिस्चार्ज हो रही होगी. मान लो
इस रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है, यहाँ से करंट दे रही है, अगर करंट निकाल रही है तो इट इज डिस्चार्जिंग। तो यहाँ पर आप किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा कर भी फाइंड कर सकते हो कि ये अगर एप्सिलन है ये स्मॉल आर है, एप्सिलन स्मॉल आर है, कि इसका टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा। मैं सीधा फॉर्मूला लिख रहा हूं, इसका टर्मिनल वोल्टेज होगा एप्सिलन माइनस आई आर, एप्सिलन माइनस आई आर। अगर कोई बैटरी चार्ज हो रही होगी तो उसको बहुत बड़ी कोई बैटरी दूसरी चार्ज कर रही होगी, कभी कभी सेफ्टी रेजिस्टेंस भी लगाना होता है यहां पे ताकि करंट अचानक से ना बढ़ जाए, ठीक है। और उस केस में इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में यहां पे करंट अंदर घुस रहा होगा बैटरी के अंदर, और तेरा जो यहां पे टर्मिनल वोल्टेज आएगा होगा एप्सिलन प्लस आई आर। तो याद रखना, चार्जिंग केस में टर्मिनल वोल्टेज ईएमएफ से बड़ा होता है और डिस्चार्जिंग केस में ईएमएफ टर्मिनल वोल्टेज से बड़ा होता है, ठीक है। तो ये हो गई सेल्स व्हेन दे आर चार्जिंग व्हेन दे आर डिस्चार्जिंग, ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं यहां पर कि अगर इफ करंट इज जीरो, करंट आई इज जीरो, तब जो तुम्हारा टर्मिनल वोल्टेज है वही तुम्हारा एप्सिलन होगा, क्योंकि यहां पर आप करंट जीरो कर दो तो VT इक्वल्स टू एप्सिलन, यहां पे करंट जीरो कर दो तो VT इक्वल्स टू एप्सिलन, इसका ध्यान रहे। अच्छा, इसका एक और चीज है, ये इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा चार्जिंग टाइम पे, जैसे टर्मिनल वोल्टेज वर्सेस करंट का ग्राफ है तो वो इस तरह से डाउन आएगा, और ये जो इंटरसेप्ट है वो एप्सिलन होता है, स्लोप है वो इंटरनल रेजिस्टेंस देगा, स्लोप विल गिव यू व्हाट, स्मॉल आर, इंटरनल रेजिस्टेंस। अगर इसकी मैं बात करूं तो यहां पर ये जो है VT वर्सेस I का जो ग्राफ है वो पॉजिटिव है, इंटरसेप्ट भी पॉजिटिव है, वो इस तरह से जाएगा, इसका स्लोप पॉजिटिव है, अगेन इंटरनल रेजिस्टेंस देगा, ये एप्सिलन है, ठीक है। तो ग्राफिकल क्वेश्चंस भी काफी इसके पूछे गए और आप देख सकते हो आपको मिलेंगे क्वेश्चंस काफी इसके ग्राफिकल भी, राइट। आगे बढ़ते हैं, सेल्स बेटा जब सीरीज में होता है तो उसको कैसे डील करना है, व्हाट विल बी द वोल्टेज, व्हाट विल बी द इंटरनल रेजिस्टेंस। सी, सेल्स आर हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस, सेल्स आर हैविंग इंटरनल रेजिस्टेंस व्हेन टू सेल्स एप्सिलन 1 R1, एप्सिलन 2 R2, व्हेन दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन द नेट एप्सिलन, एप्सिलन नेट इज इक्वल्स टू एप्सिलन 1 प्लस एप्सिलन 2 व्हेन दे आर इन सपोर्टिंग कंडीशन। सपोर्टिंग कंडीशन मतलब होता है बैक टू बैक कनेक्शन, इस तरह से दिस इज सपोर्टिंग कंडीशन। और एप्सिलन नेट हो जाएगा बेटा एप्सिलन 1 माइनस एप्सिलन 2, एप्सिलन 1 माइनस एप्सिलन 2 व्हेन दे आर इन ऑपोजिंग कंडीशन, उल्टी कनेक्टेड होगी तो ये है तुम्हारी ऑपोजिंग कंडीशन, ठीक है। ऑपोजिंग में माइनस करना है, सपोर्टिंग में ऐड करना है। इन बोथ द केसेस, इन बोथ द केसेस इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी सेम। इंटरनल रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट का क्या आएगा, तो इंटरनल रेजिस्टेंस तुम्हारा हो जाएगा, अगर इसका आर वन आर टू है तो आर इक्विवेलेंट तुम्हारा हो जाएगा आर वन प्लस आर टू, ठीक है। टॉकिंग अबाउट एन बैटरीज, अगर बहुत सारी बैटरीज कनेक्टेड है, एक जैसी कनेक्टेड है, ठीक है, सो फॉर एन बैटरीज और n सेल्स, n बैटरीज के लिए एप्सिलन इक्विवेलेंट होगा n एप्सिलन और r इक्विवेलेंट होगा n टाइम्स r, ठीक है। नेक्स्ट, टॉकिंग अबाउट सेल्स इन पैरेलल, लेट से अगर दो सेल हमारे पैरेलल में है, एक का एप्सिलन 1 है, एक का स्मॉल r1 है, एक का एप्सिलन 2 है, एक का स्मॉल r2 है, ठीक है, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जो आपको इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट ईएमएफ मिलेगा, एप्सिलन इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई एप्सिलन 1 आर वन प्लस एप्सिलन 2 आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, एप्सिलन 2 आर वन प्लस एप्सिलन 1 आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, ठीक है। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू, आर वन आर टू अपॉन आर वन प्लस आर टू व्हेन सेल्स आर इन पैरेलल, जब कोई सेल्स पैरेलल में है, बहुत सारे एन सेल्स पैरेलल में, when n cells are in parallel, n cells are in parallel, तो उस केस के अंदर तुम्हारा एप्सिलन इक्विवेलेंट हो जाएगा एप्सिलन ही रहेगा क्योंकि सब सेम है, और r इक्विवेलेंट तुम्हारा हो जाएगा r by n, ठीक है, तो ये हो गया। नेक्स्ट है मिक्स कनेक्शन, मिक्स कनेक्शन में क्या होगा, अगर बहुत सारे सेम सेल्स है, सेम इंटरनल रेजिस्टेंस वाले एप्सिलन और r वाले, वैसे n सेल्स कनेक्टेड है इन सीरीज, और वैसे ही उनकी बहुत सारी ब्रांचेस पैरेलल में है, m ब्रांचेस पैरेलल में, मान लो m ब्रांचेस पैरेलल में है ना, यहां पर हम कह सकते हैं m ब्रांचेस है पैरेलल में, ठीक है, n सेल सीरीज में और वैसे m, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा n एप्सिलन कॉमा एन आर के बड़े सेल्स मिलेंगे इक्विवेलेंट इसका, और वैसे सारे पैरेलल में ज्वाइन होंगे, वैसे सारे पैरेलल में ज्वाइन होते जाएंगे,
तो जब ऐसे सारे सेल्स पैरेलल में ज्वाइन होंगे तो इसका इक्विवेलेंट आपको मिलेगा, एप्सिलॉन इक्विवेलेंट आपका आएगा एन टाइम्स एप्सिलॉन ई, लेकिन आर इक्विवेलेंट आपका हो जाएगा एन आर बाई एम, आर इक्विवेलेंट हो जाएगा एन आर बाई एम। इसमें फिश प्रॉब्लम पूछी जाती है ना, ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, ईल प्रॉब्लम्स और फिश प्रॉब्लम्स आती है इसमें, है ना। ईल जो होती है उसके अंदर इलेक्ट्रोप्लैक्स होते हैं और इलेक्ट्रोप्लैक्स वाली प्रॉब्लम्स बहुत सारी अच्छी अच्छी इसमें आ सकती है, आपको पूछी जा सकती है, याद रखना इसमें मिक्स ग्रुपिंग आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट है पावर। नाउ व्हाट पावर सप्लाइड बाय बैटरी, सी पावर सप्लाइड बाय बैटरी एंड ड्रॉन बाय रेजिस्टेंस। तो पावर सप्लाइड बाय बैटरी है P इक्वल्स टू V इनटू I, पावर ड्रॉन बाय रेजिस्टेंस है P इक्वल्स टू एक तो I स्क्वायर R एंड दूसरा है V स्क्वायर बाय R। एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी, एनर्जी ड्रॉन बाय रेजिस्टेंस, ठीक है। एनर्जी सप्लाइड बाय बैटरी होगी E इक्वल्स टू V इनटू I इनटू T, ठीक है। इसको E इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ VI dt भी किया जा सकता है अगर वेरिएबल है तो, और यहां पर एच भी कहते हैं कभी कभी इसको, एच भी कहते हैं यहाँ पर भी हम H, इसको हीट एनर्जी की तरह H भी कहा जाता है। पावर डिसिपेट, एनर्जी डिसिपेटेड बाय रेजिस्टेंस, एनर्जी डिसिपेटेड बाय रेजिस्टेंस होगी I स्क्वायर आर टी, है ना, और V स्क्वायर बाय R इंटू टी, V स्क्वायर बाय R इंटू टी, कुछ नहीं है, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, ठीक है। एनर्जी का एक प्रैक्टिकल यूनिट है, तो प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एनर्जी है, प्रैक्टिकल यूनिट ऑफ एनर्जी है किलो वॉट आवर, KWH, That is किलो वॉट आवर, ठीक है। 1 kWh होता है 3.6 into 10^6 जूल पर सेकेंड, ठीक है, ध्यान रहे। नेक्स्ट, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम। अगर तुम्हारी कोई बैटरी है उसका कुछ इंटरनल रेजिस्टेंस है और ये है तुम्हारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, तो when capital R becomes equal to small r, then maximum power will be transferred to circuit, maximum power will be, बहुत अच्छे क्वेश्चन इसके भी पूछे गए, transferred to circuit, ठीक है। सीधा पकड़ सकते हो कि maximum power transfer की condition क्या है, तो वैसे generally हम current का equation यहाँ पे निकालते हैं, I square R करके आप power निकाल के जब इंटीग्रेट करोगे, डिफरेंशिएट करके जीरो करोगे पावर को, तो आपको पता चलेगा कि जब आर और आर की वैल्यू सेम आएगी तब जाके इसका डिफरेंशिएशन जीरो होगा। नेक्स्ट है बल्ब इन सीरीज एंड बल्ब इन पैरेलल। लेट्स से, सबसे पहले तो आपको एक चीज समझनी है कि आपको अगर कोई भी बल्ब दिया है, कोई भी बल्ब दिया है ना, तो उसकी दो चीज दी होगी, वन इज कॉल्ड रेटेड पावर एंड अनदर इज कॉल्ड रेटेड वोल्टेज। अगर तेरे बल्ब के ऊपर छपा हुआ है 220 वोल्ट एंड 100 वॉट, मतलब कि 100 वॉट वो खाएगा जब 220 वोल्ट उसको दिया जाएगा, राइट। तो 220 वोल्ट पे 100 वॉट खाएगा, अच्छे से ब्राइटनेस से चलेगा, छाप के दिया है उसको, मतलब उसको बनाए है 220 पे चलाने के लिए। तो आप ऐसे दो बल्ब को जो 220 वाले है, है ना, आप उसको चला रहे हो, दोनों को मिला के 220 वोल्ट पे चला रहे हो, मान लो इसका पावर P1 है, इसका पावर P2 है ना, तो आप इसको अगर यहाँ पे V इक्वल टू 220 दे रहे हो, इसका रेटेड अकेले अकेले का 220 था, तब दोनों मिलके उतना पावर नहीं खाएंगे, मतलब उतना पावर नहीं देंगे, 100-100 के थे 200 नहीं देंगे, तो इसका इक्विवेलेंट पावर हो जाएगा P1 P2 upon P1 plus P2, इसका रूल है, 1 by P equivalent in series is equals to 1 by P1 plus 1 by P2 plus so on up to 1 by PN। फाइन, वैसे ही अगर सेम बल्ब्स है, सेम बल्ब है, P1 इक्वल टू P2 इक्वल टू PN है, तो फॉर N इक्वल बल्ब्स, For n equal bulbs, power in series equals to P by n. Power in series equal to P by n. ठीक है, bulbs in parallel. ये bulbs in parallel, अगर इस तरह से आप parallel में join करते हो किसी भी bulbs को, ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं इसका power P1 है, इसका power P2 है, तो power in parallel is always equals to P1 plus P2. ठीक है, और अगर n bulbs की बात की जाए, n bulbs in parallel, n bulbs in parallel, तो you'll be getting P total equals to NP, ठीक है। This is what a connection, domestic connection, ये हमारे घर में जो भी connected होते हैं, this is the domestic connection at our home, ठीक है, yes। कभी कभी आपने fuse के बारे में भी कहीं कहीं पढ़ा होगा, तो fuse का जो material होता है वो low melting point वाला होना चाहिए,
है ना, इसके भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कभी कभी आ जाते हैं। इट्स अ प्रोटेक्टिव डिवाइस, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम ओवर करंट, ओवर करंट से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, पतला तार होना चाहिए, थिन वायर होना चाहिए, थिन वायर होना चाहिए, है ना, और उसका थोड़ा हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए, थोड़ा हाई रेजिस्टेंस होना चाहिए ताकि वो गर्मी वो कर सके, प्रोड्यूस कर सके, हीट प्रोड्यूस कर सके और मेल्ट हो जाए। लो मेल्टिंग पॉइंट होना चाहिए, ये याद आया तो मैंने बता दिया फ्यूज़ भी। ठीक है, नेक्स्ट है विच बल्ब विल फ्यूज़। उसके पहले हम लोग एक और चीज़ देख लेते हैं, दैट इज़ हीटिंग कॉयल्स। हीटिंग कॉयल्स का एक केस मैं आपको पहले दिखा देता हूँ कि अगर हीटिंग कॉयल की मैं बात करूँ, हीटिंग कॉयल्स एंड बॉयलिंग टाइम। तो अगर मैं ऐसा कहूँ कि मेरे पास एक हीटर है ना, उसको अगर मैंने किसी पानी में रखा है ना, तो उस पानी को बॉयल करने के लिए T1 टाइम ले रहा है, H1 कॉयल, है ना। मैंने अगर दूसरा हीटर लिया, सिमिलर हीटर है बट ये H1 नहीं है, ठीक है, नाउ इट इज़ H2, तो ये H2 वाला जो हीटर है वो T2 टाइम ले रहा है ना। तो जब मैं इनको सीरीज में ज्वाइन करूँगा, इफ़ आई ज्वाइन दैम इन सीरीज एंड वेन आई ज्वाइन दैम इन पैरेलल, एंड दे आर यूज टू बॉयल द सेम वाटर, सेम वाटर कंटेंट को अगर बॉयल करने के लिए मैं इनको यूज करूंगा, ठीक है। पहले वाले का जो व्हाइट वाला था उसके साथ हमने येलो वाले को सीरीज में जोड़ दिया ऐसे, है ना। तो अब ये H1 कॉइल है, H2 कॉइल है, तो ये जो टाइम लेगी T इज इक्वल्स टू T1 प्लस T2, ज्यादा टाइम लेगी क्योंकि ये सीरीज में आने से करंट ड्रॉप होगा और धीरे धीरे गर्म होगा। लेकिन अगर इन्हीं को पैरेलल में ज्वाइन किया गया, इस तरह से, है ना, तो टोटल टाइम टी फॉर पैरेलल ये सीरीज इज इक्वल्स टू T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, है ना। तो यहाँ पे जो टाइम है विल बी लेसर एंड यहाँ पर टाइम है विल बी ग्रेटर, राइट। नाउ द लास्ट थिंग, कौन सा बल्ब फ्यूज होगा। कभी कभी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा कि ये बल्ब है, ये दूसरा बल्ब है, ये मान ले P1 वॉट का है, V वोल्ट से चलेगा, P2 वॉट का है, V वोल्ट पे चलेगा, ठीक है। अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है आपको और वो मान ले कोई अलग ही वोल्ट के साथ इसको ज्वाइन कर रहे हैं, तो आपको आप इससे पहले तो रेजिस्टेंस निकाल सकते हो, R=V2/P1, रेटेड पावर से रेजिस्टेंस निकाला जा सकता है, R2=V2/P2, इससे आपको रेजिस्टेंस मिल जाएगा R1 R2। जैसे आपको R1 एंड R2 रेजिस्टेंस मिल गए, आप यहाँ पे करंट फाइंड कर लो कितना जा रहा है, आप इस करंट को फाइंड करके यहाँ पे पावर फाइंड करो, P1 कितना होगा I²R1, और इसका पावर फाइंड करो P2 कितना होगा I²R2। अगर ये पावर जो है वो रेटेड पावर से कम है, लेट से इट्स P'P2', इफ P1' ध्यान से सुनना, इफ P1' इज लेस देन P1 तो इट्स सेफ, इफ P1' इज ग्रेटर देन P1 इट विल फ्यूज, ठीक है। यहां पे आ जाओ, सिमिलरली इफ P2' इज ग्रेटर देन P2 इट विल फ्यूज एंड इफ P2' इज लेसर देन P2 इट इज सेफ, ठीक है। तो आई थिंक दैट वॉज द लास्ट स्लाइड। अभी इसमें बहुत सारी चीजें बाकी है जो हम नेक्स्ट चैप्टर में देखने वाले हैं। क्या क्या चीजें देखेंगे, एक तो एडवांस के लिए हम लोग देखेंगे पोटेंशियोमीटर, फॉर एडवांस्ड वी विल सी पोटेंशियोमीटर, वी विल सी वोल्टमीटर, गैल्वेनोमीटर एंड फिगर ऑफ मेरिट, देन कन्वर्जन फ्रॉम वोल्टमीटर टू एमीटर, सॉरी गैल्वेनोमीटर टू एमीटर एंड गैल्वेनोमीटर टू वोल्टमीटर, व्हाट आर द नेसेसरी सर्किट्स, ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर में बताने वाला हूँ, राइट। आई होप हमने सारी चीज़ें ऑलमोस्ट कवर की होगी, सो सेव दिस वीडियो फॉर फ्यूचर, कभी भी रिविजन चाहिए तो आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय।